नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत और चलिए देखते हैं दोपहर की बड़ी खबरों को फटाफट। दो साल की खुशियों के साथ आएगी दो और बड़ी गारंटियां। हिमाचल सरकार अपने दो साल के जश्न में अपनी बची हुई गारंटियों को लेकर बड़े ऐलान करने वाली है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के संबंध में चर्चा के बाद निर्देश भी दिए गए हैं। बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में आने से पहले जो गारंटियां दी थी उनमें से किस किस गारंटी को आगे आने वाले साल में पूरा किया जाना है उसका खाका मांगा गया है। खासकर युवाओं के रोजगार से जुड़ी गारंटी योजना को पूरा करने के लिए दो साल के जश्न के मौके पर सरकार बड़ा ऐलान करेगी। दो गारंटियों को लेकर इस दिन सरकार बताएगी कि उस पर क्या किया गया है और आने वाले समय में जो गारंटी पूरी की जानी है उसका भी ब्यौरा यहां दिया जाएगा। गौर हो कि 11 दिसंबर को बिलासपुर में सरकार का दो साल का जश्न होगा। इसके लिए दिसंबर महीने के पहले सप्ताह में बैठक होगी। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी को इसकी कमान सौंपी गई है, जिनका कहना है कि विभागों से उनको लेखनी कार्य को लेकर जानकारी मांग ली गई है। सभी मंत्री अपने अपने विभाग के माध्यम से इस समारोह के लिए तैयारी करेंगे। इस कार्यक्रम में सरकार अपनी दो गारंटियों को जमीन पर उतारने की तैयारी में है। इसके लिए सभी औपचारिकताओं को पूरा कर दिया गया है। 11 दिसंबर को इसे विधिवत रूप से शुरू करने का ऐलान किया जाएगा। इसमें 680 करोड़ की राजीव गांधी स्टार्टअप योजना, जिसके तहत ई टैक्सी योजना शुरू करनी है और दूसरा किसानों से गोबर खरीद की योजना है। सरकार कार्यक्रम के दिन दोनों योजनाओं का शुभारंभ होगा। सीजन में पहली बार ताबो का पारा -9.4 डिग्री, सीसू झील जमी, ग्रामफू से काजा मार्ग बंद। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के ताबो में सोमवार रात इस सीजन की सबसे ठंडी रात रिकॉर्ड हुई। ताबो में न्यूनतम तापमान -9.4 डिग्री सेल्सियस रहा। इसके अलावा कुकुमसेरी में -3.2, किलोंग में -2.3, समदो में -1.3 और कल्पा में 0.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। तापमान गिरने से सीसू झील जमना शुरू हो गई है। झील पर बर्फ की परत जम गई है। ग्रामफू से काजा मार्ग पर मंगलवार को पर्यटकों के वाहनों को आवाजाही पूरी तरह से बंद रही। कई वाहनों को पुलिस ने वापस भेजा। मैदानी जिलों में घना कोहरा छाए रहने का सिलसिला मंगलवार को भी जारी रहा। 23 नवम्बर तक सुबह शाम के लिए कोहरा पड़ने का येलो अलर्ट जारी हुआ है। मंगलवार को राजधानी शिमला सहित अधिकांश क्षेत्रों में धूप खिली। ऊना में सबसे ज्यादा 26.2 डिग्री पारा रिकॉर्ड हुआ। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 22 से 24 नवंबर तक जिला लाहौल स्पीति, चंबा और कांगड़ा के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। राज्य के अन्य क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना रहने का पूर्वानुमान है। बिजली उपभोक्ताओं को झटका, बिजली दरों पर लगेगा दूध व पर्यावरण सेस। हिमाचल में लाखों बिजली उपभोक्ताओं को एक बार फिर महंगाई का झटका लगा है। प्रदेश सरकार ने बिजली की दरों से दूध सेस व पर्यावरण सेस लगाकर दरों को बढ़ा दिया है। घरेलू उपभोक्ता पर दूध सेस ही लागू होगा, हालांकि पर्यावरण सेस अन्य उपभोक्ताओं को लगा है। इससे अब बिजली का बिल और बढ़ जाएगा। इस एक्ट में संशोधन के बाद अब घरेलू उपभोक्ताओं पर प्रति यूनिट बिजली खपत पर 10 पैसे प्रति यूनिट की दर से मिल्क सेस अतिरिक्त देना होगा। जिन उपभोक्ताओं का बिजली बिल जीरो होगा उन पर सेस का बोझ नहीं पड़ेगा। इस सेस से आने वाला राजस्व हिमाचल में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ दुग्ध उत्पादकों को लाभ पहुंचाने के लिए किया जाएगा। निवेश के लिए 355 इकाइयों को मिली धारा 118 की मंजूरी, हजारों को मिलेगा रोजगार। दो साल में सुक्खू सरकार ने हिमाचल प्रदेश में निवेश के लिए धारा 118 के तहत 355 इकाइयों को मंजूरी दी है। इनमें 176 औद्योगिक, 126 पर्यटन, बाकी रियल एस्टेट, पनबिजली परियोजनाओं, शिक्षण, धार्मिक, चैरिटेबल और अन्य वाणिज्यिक संस्थाओं को खोलने से संबंधित है। धारा 118 के तहत उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार ने सबसे अधिक स्वीकृतियां दी हैं। ऑनलाइन डैशबोर्ड की सुविधा शुरू करने के बाद निवेशकों को दी जाने वाली मंजूरी की संख्या में इजाफा हुआ है। यह धारा 118 हिमाचल प्रदेश मुजारियत और भूमि सुधार अधिनियम 1972 की है, जिसके तहत राज्यों से बाहर के लोग यहां पर किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए जमीन ले सकते हैं।